बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन बिस्ट्रो। आज हम द किचन बिस्ट्रो में पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने 5 टमाटो लिए हैं। टमाटर इनको मैंने वॉश कर लिया है। हाफ मीडियम साइज़ आनियन लिया है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 3 मैंने गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं। लहसुन इसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। 3-4 टीस्पून ऑरेगानो लीव्स। 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शुगर चाहिए, ये ऑप्शनल है। पिज़्ज़ा सॉस को आप घर में इजीली बना सकते हैं, तो बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से घर में बनाएँ, साफ़ सुथरी बनाएँ। सबसे पहले हमने करना ये है कि एक पैन में हमने पानी लेना है और टमाटोज को बॉयल करना है। किसी बर्तन में आप पानी ले लें, पानी को हम एक दफ़ा बॉयल करेंगे। पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के एंड पे मैं इस तरह से हल्का सा क्रॉस लगाऊंगी और इसको ऐड कर दूंगी उबलते हुए पानी में। अब हमने इसे पानी में 3 से 4 मिनट तक बॉयल करना है। जब इसकी स्किन ऊपर से उतरने लग जाएगी तब हम इन्हें निकाल लेंगे। इनकी स्किन ऊपर से सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है, हम इनको निकाल लेंगे। टमाटरों को बॉयल करने के बाद इन्हें 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना। और अब हम एक टमाटर लेंगे और इसकी स्किन को पील करेंगे। देखें स्किन कितना आराम से पील हो रही है। जब आप इन पे कट लगाते हैं तो इनको पील करना बहुत आसान हो जाता है। स्किन को पील करने के बाद अब हम एक टमाटर लेंगे और इसको हमने कट करना है। इसके सीड्स निकाल लें साइड पे। बाकी टमाटर को हम ब्लेंडर में डालेंगे। इसी तरह से तमाम टमाटरों के हम सीड्स को निकाल लेंगे। अब हम इन टमाटरों को ब्लेंड करेंगे। ये देखें टमाटर स्मूथली ब्लेंड हो गए हैं। अब हम इसे साइड पर रखेंगे। टमाटरों के सीड्स को हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इनमें से कोई बड़ा पीस है इसको आप चॉप कर लें और सॉस बनाते वक्त हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो चलें सॉस बनाते हैं। आप सॉस बनाने के लिए एक पैन लेंगे। पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें गार्लिक के क्लोव्स जिनको हमने चॉप किया है वो डालेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमने इन्हें फ्राई करना है। अब हम चॉप्ड आनियन ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ऑरेगानो लीव्स, रेड चिली फ्लेक्स और इन सबको मिक्स करेंगे। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटो के सीड्स ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हम इसमें जो हमने टमाटर ब्लेंड किए हैं उनका पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे कंटिन्यूस स्टिर करते रहेंगे और साथ साथ इसे कुक करेंगे जब तक हमें इसकी थिक कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। अब हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये देखें सॉस ने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसको अच्छी तरह कुक करते रहें। ये देखें होममेड पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। ये देखें केमिकल्स फ्री होममेड पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। तो आपको बाज़ार से पिज़्ज़ा सॉस बाय करने की ज़रूरत नहीं है जब आप इसको इजीली 2 मिनट के अंदर घर में बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक भी लाजमी दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।